नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के टू द पॉइंट का टॉपिक है आर्मेनिया बनाम अजरबैजान विवाद। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। युद्ध विराम के लगभग 26 सालों बाद दोनों देशों की सीमा पर फिर से संघर्ष शुरू हो गए हैं। 3 से 4 दिनों से जारी हिंसक संघर्ष में दर्जनों लोग मारे गए। आर्मेनिया के साथ सीमा साझा करने वाले देश तुर्की ने अजरबैजान का समर्थन किया है। वहीं रूस संघर्ष विराम के लिए दोनों देशों का आह्वान कर रहा है। बात करते हैं इस संघर्ष की पृष्ठभूमि और हालिया कारण के बारे में। दक्षिण पश्चिमी अजरबैजान में स्थित 1.5 लाख लोगों से ज़्यादा आबादी वाला नागोर्नो-करबाख क्षेत्र इस संघर्ष का केंद्र बिंदु है। यह एक पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है जिसका विस्तार लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित नागोर्नो-करबाख स्वायत्त क्षेत्र आर्मेनिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 50 किलोमीटर यानी लगभग 30 मील की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आर्मेनिया समर्थित कुछ स्थानीय अलगाववादी सैन्य समूहों ने कुछ क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया है, लेकिन यहाँ की अधिकांश आबादी आर्मेनियाई ईसाई हैं, जबकि अजरबैजान एक शिया मुस्लिम बहुल देश है। 1921 में जब अजरबैजान और आर्मेनिया सोवियत गणराज्य बने तो मॉस्को ने अजरबैजान को स्वायत्तता के साथ नागोर्नो-करबाख का अधिकार दिया। सोवियत सत्ता के पतन के समय 1988 में नेशनल असेंबली ने इस क्षेत्र की स्वायत्तता को भंग करते हुए आर्मेनिया में शामिल होने के लिए मतदान किया, लेकिन यह शामिल नहीं हो पाया। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद जब आर्मेनिया और अजरबैजान स्वतंत्र देश बने तब नागोर्नो-करबाख क्षेत्र को लेकर हुई झड़पों के कारण एक भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध 1994 तक चला और दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए सहमत हुए। दोनों देशों ने अभी तक शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और ना ही उनकी सीमाएं स्पष्ट हैं। युद्ध विराम के बावजूद यह संघर्ष जारी है। अप्रैल 2016 में इस क्षेत्र में हिंसक संघर्ष काफ़ी तेज हो गया, जिसे 4 डे वॉर भी कहते हैं। इस वर्ष जुलाई से ही झड़पों का सिलसिला जारी है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सैनिकों ने आर्मेनियाई बलों से क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। आर्मेनिया ने शांतिपूर्ण बस्तियों पर बड़े पैमाने पर हमले के लिए अजरबैजान को दोषी ठहराया है। बात करते हैं नागोर्नो-करबाख के सामरिक महत्व के बारे में। अजरबैजान प्रतिदिन लगभग 8 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। यह यूरोप और मध्य एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण तेल और गैस निर्यातक है। अजरबैजान ने काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच के काकेशस क्षेत्र से तुर्की और यूरोप तक कई गैस और तेल पाइपलाइनों का निर्माण किया है। इसमें एक दिन में 1.2 बिलियन बैरल परिवहन की क्षमता वाला बाकू तबलीसी सेहान तेल पाइपलाइन के अलावा पश्चिमी मार्ग निर्यात तेल पाइपलाइन, ट्रांस अनातोलियन गैस पाइपलाइन और दक्षिण काकेशस गैस पाइपलाइन शामिल हैं। इनमें से कुछ पाइपलाइनें संघर्ष क्षेत्र नागोर्नो-करबाख के करीब से भी गुजरती हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध में पाइपलाइनों को लक्षित किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की भी आशंका है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के निहितार्थ के बारे में। तुर्की ऐतिहासिक रूप से अजरबैजान समर्थक है। वहीं अजरबैजान और तुर्की मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक लिंक भी साझा करते हैं। तुर्की और आर्मेनिया के बीच किसी तरह के राजनयिक संबंध नहीं हैं। दोनों देशों के बीच विवाद के मुख्य बिंदु की बात करें तो तुर्की ने 1915 के आर्मेनियाई नरसंहार की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। रूस के अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं और वह दोनों को ही हथियारों की आपूर्ति करता है। आर्मेनिया ऊर्जा संपन्न अजरबैजान की तुलना में रूस पर अधिक निर्भर है, रूस का आर्मेनिया में सैन्य अड्डा भी है। रूस सार्वजनिक तौर पर दोनों देशों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अब नोट करते हैं इस टू द पॉइंट पर आधारित आज का प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नागोर्नो करबाख क्षेत्र अजरबैजान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। फोर डे वॉर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए संघर्ष से जुड़ा है। काकेशस काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच का क्षेत्र है। या फिर तुर्की दोनों देशों के बीच के संघर्ष में आर्मेनिया का समर्थक है। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS।